र यू ऑल आई एम निशा टीचर फ्राम अश्वमिक विद्यालय वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर फाइव इन आवर बुक एंड आई वांट टू आस्क यू समथिंग वेर डू यू लीव यस वी लीव इन आवर हाउस हम कहां रहते हैं हम हमारे घर में रहते हैं आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो बिल्डिंग में रहते हैं आप गाँव में रहते हो तो आपका घर अलग रहता होगा है ना सो हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस हाउ हाउस इज मेड हाउस कैसे बनता है हाउस बनता है अलग अलग टाइप से जैसे कि कच्चा हाउस होता है वो बनता है किस से कच्चा हाउस बनता है गोबर से और लकड़ी से घास फूस से है ना और पक्का हाउस होता है वो किससे बनता है ब्रिक्स एंड सीमेंट यानी कि ईट और पत्थर और सीमेंट से है ना हम किस में रहते हैं हम पक्के हाउस में रहते हैं घर की साइज़ भी अलग अलग होती है आपका घर आपके दूसरे फ्रेंड का घर या आपके दूसरे भाई का घर सबका अलग अलग घर होता है ना है ना और हाँ घर हमें किस चीज़ से बचाता है घर हमें बारिश से ठंडी से गर्मी से इन सब चीज़ों से भी हमें बचाता है है ना सो लेट्स सी इन अब हाउसेस आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स हमें हमारा घर किस किस से बचाता है हीट यानी कि धूप से फिर कोल्ड कोल्ड यानी कि ठंडी से रेन मीन्स बारिश एंड वाइल्ड एनिमल्स से भी बचते हैं ना आवर हाउस इज आवर शेल्टर हमारा घर जो है वो हमारा शेल्टर है हमें छाव देता है हमारी मदद करता है हमारी रक्षा भी करता है पीपल लिव्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बहुत सारे लोग इस दुनिया में है और सब लोग अलग अलग घर में रहते हैं देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस सम हाउसेस आर स्मॉल एंड सम आर वेरी बिग कुछ घर एकदम छोटे होते हैं और कुछ घर एकदम बहुत बड़े होते हैं बंगलो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस सी दिस इज अट किससे बना है लकड़ी घास इन सब से बना है टेंट ये किससे बना है ये खिली डाली है मट्टी में और कर्टन्स ये टेंट बना है फिर बंगलो बंगलो मीन्स जहाँ पे उनकी उसकी जो छत होती है ना वो किससे बनी होती है सीमेंट से बनी होती है किसी के घर पत्रे वाले होते हैं किसी के घर नड़िए वाले होते हैं है ना बिल्डिंग बिल्डिंग तो बहुत बड़ी होती है लंबी सी उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है या फिर हमें लिफ्ट यूज करनी पड़ती है है ना चार्ल्स चार्ल्स यानी कि जो एक टाइप के ऐसी जगह जहाँ पे फ्लैट फ्लैट दरवाजे 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 बहुत सारे दरवाजे होते हैं और अलग अलग, अलग दरवाज़ों में अलग, अलग अलग लोग रहते हैं उनका ये घर होता है जैसे कि कोई बाहर से आया होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूपी साइड से या फिर महाराष्ट्र साइड से आता है और कोई भी जो अपना घर अपना खुद का घर बना नहीं सका होता है और वो बाद में चॉल्स में रहते हैं है ना भाड़ूती भाड़ूती रहते हैं यहाँ पे है ना फिर कॉटेज कॉटेज मीन्स वेयर वेर वी पे एंड स्टे मीन्स के जब हम घूमने जाते हैं और हमें रात रुकना पड़ गया हम कहाँ रहेंगे जैसे कि अगर आप सापूतारा गए तो हम कहाँ रहेंगे तब हम कॉटेज या फिर होटल्स में रहते हैं है नी देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हुप अस टू बिल्ड अवर हाउस हमारे एक घर को बनाने के लिए बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं कौन कौन हेल्प करते हैं एंड आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट एक ऐसा इंसान होता है जो हमारे घर की डिज़ाइन ड्रॉ करता है हमें कैसा घर चाहिए कहाँ रूम आएगा वो सब वो डिसाइड करके ड्राइंग करके प्लानिंग करता है फिर अब मैनसन मैंसन मीन्स के कड़ैया बोलते हैं ना वो ये अंकल इस तरह से ईट और सीमेंट सबको मिक्स करके दीवार खड़ी करता है और ये सब बनाता है मीन्स वर्क ये करता है ये ऑर्डर करते हैं और ये वर्क करते हैं फिर वो आता है प्लम्बर प्लम्बर क्यों हो चाहिए क्यों क्योंकि हमें हमारे घर के अंदर पानी चाहिए ना नल के अंदर पानी तो वो कौन लगाएगा वो आर्किटेक्ट नहीं लगाएगा वो खाली बताएगा कैसे लगाना है पर वो वर्क उसका नहीं है वो किसका वर्क है प्लम्बर का वर्क है और कारपेंटर कारपेंटर क्यों चाहिए क्यों क्योंकि हमें बेड सोफा डाइनिंग टेबल अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए हमें कारपेंटर चाहिए रहता है है ना घर के अंदर एंड इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिशियन क्यों घर में हेल्प करता है क्यों क्योंकि हमें हमारे घर के अंदर लाइट चाहिए ना वरना अंधेरे में सोचो आप कैसे लगोगे कुछ दिखेगा ही नहीं आपको तो आ, आ ये इलेक्ट्रिशियन अंकल भी बहुत ज़रूरी है हमारे घर बनाने के लिए है ना आवर हाउस इज़ अ प्लेस वेर वी फील रिलैक्स एंड कंफर्टेबल हमारा जो घर है हम कहीं से भी घूम घूम के बोले ना आए लेकिन जब हम आते हैं और घर में हमारे बेड पे ऐसे सोते हैं तो हाश हम घर में आ गए ऐसा सोचते हैं ना और हमें आराम मिलता है कंफर्टेबल फील होता है वी कीप आवर वैल्यूएबल थिंग्स इन आवर हाउस हम हमारे घर में कीमती चीज़ें वैल्यूएबल मीन्स कीमती चीज़ें रखते हैं जैसे कि मम्मा की बैंगल्स फिर चेन ईयर गोल्ड की चीज़ें फिर टीवी, फ्रिज फ्रीज वो भी एक्सपेंसिव ही है ना पैसे रखते हैं हम घर के अंदर है ना We decorate our house to make it look attractive and comfortable. हम हमारे घर को सजाते हैं Decorate means सजाना जैसे कि curtain लगाना अलग अलग color के फिर lights लगाना अलग अलग design की sofa पे अलग design करना या फिर pictures लगाना lamp लगाना ये सब करके हम हमारे घर को अच्छा दिखने का करते हैं color करते हैं हम है ना ये सब करते हैं ना गो टू नेक्स्ट एन आइडियल हाउस कंसिस्ट ऑफ डोर एंड विंडोज अ स्ट्रांग रूफ एंड वॉल्स एक घर के अंदर सबसे जरूरी क्या होता है दरवाजा विंडोज यानी कि खिड़कियां स्ट्रांग रूफ यानी के ऊपर की जो छत होती है वो और स्ट्रांग दीवार ऐसा नहीं कि लात मारा और दीवार टूट गई उसका क्या में फ़ायदा होगा है ना फिर देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स इन आवर हाउसेस फॉर आवर कम्फर्ट हमारे आराम के लिए हमारे कम्फर्ट के लिए हमें ज़्यादा इजी में रहने के लिए हमारे घर के अंदर अलग अलग प्लेसेस यानी कि अलग अलग रूम्स होती है जैसे कि किचन जहाँ मम्मी खाना बनाती है बेडरूम जहाँ हम सोते हैं लिविंग रूम यानी कि हॉल जहाँ पे गेस्ट आते हैं तो रहते हैं फिर बाथरूम टॉयलेट जहाँ पे हम नहाते हैं है ना सो so, हमें ये सब चीज़ें भी हमारे घर की क्लीन रखनी चाहिए है ना राइट right? और उसका यूज़ वही चीज़ के लिए होता है अभी आपने कभी देखा है मम्मी किचन के अंदर सो गई नहीं ना मम्मी हमेशा बेडरूम के अंदर ही सोते हैं किचन के अंदर नहीं सोते हैं है ना या फिर आपने कभी सोचा है कि हम बेड पे खाना बना रहे हैं नहीं ना किचन में ही खाना बनाते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे किचन बेड पे थोड़ी खाना बनाते हैं बाद में सोएंगे कहाँ हम है ना और किचन इज द प्लेस वेयर वी कुक आवर फूड किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम हमारा खाना बनाते हैं अ बेड इज द प्लेस वेर वी रिलैक्स एंड गो ऑफ टू स्लीप बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम आराम करते हैं और सो जाते हैं अ लिविंग रूम इज द प्लेस वेर वी मेक अवर गेस्ट एंड फ्रेंड्स सिट कंफर्टेबली हम हमारे गेस्ट को बेडरूम के अंदर तो नहीं बिठाएंगे किचन के अंदर तो नहीं बिठाएंगे है ना उनको हम हमारे लिविंग रूम में बिठाते हैं है ना वहाँ पे बातें करते हैं चाय नाश्ता करते हैं है ना वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस क्लीन एस्पेशली द बाथरूम एंड टॉयलेट हमारा जो घर का टॉयलेट और बाथरूम है वो हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए इट हेल्प प्रिवेंशन फ्राम जम्स क्यों क्योंकि हमें जम से रक्षा करने के लिए वी शुड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग क्लीन हमें हमारे घर के आजू बाजू की चीजें भी क्लीन रखनी चाहिए है ना सो वैल्यूज हाईलाइटेड हाउस इज द मोस्ट कम्फर्टेबल प्लेस इन द वर्ल्ड घर जो है वो दुनिया का सबसे कंफर्टेबल प्लेस है दर बिग और स्मॉल चाहे वो फिर बड़ा हो चाहे वो फिर छोटा हो इट डज़ नॉट मैटर बट इट्स अ प्लेस वेर यू फील द बेस्ट ब पन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है मुझे तो मेरे घर में बहुत अच्छा लगता है है ना हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप प्योर हाउस क्लीन आपको आपके मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए क्यों हेल्प करनी चाहिए ताकि हमारा घर क्लीन रह सके अ क्लीन हाउस मेक्स यू फील प्लेजेंट एंड मोर कंफर्टेबल हमें हमारा क्लीन घर खुशी देता है अच्छा लगता है हमें क्लीन घर में कचरा कचरा अच्छा नहीं लगता है ना और आराम भी मिलता है सोचो अगर आपने सब जगह पे कार रखी होगी घर में तो आप पैर रखोगे और कार चलेगी तो डन करके गिर जाओगे अपने से इफ़ एवरी मेम्बर ऑर्गेनाइज थिंग्स द हाउस वर्क रेड्यूसेस अगर घर का हर इंसान कुछ कुछ काम कर लेगा तो हमारा घर हमारे घर के अंदर काम मम्मी को ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा जैसे कि अगर आप अपने कपड़े खुद कबोर्ड में रख दोगे फिर आप अपनी प्लेट उठा के किचन में रख के आओगे तो मम्मी को ज़्यादा काम नहीं गिरेगा ना yes